अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप। काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से पैगाम आ रहा था कि ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए ट्वीट जो है वो ड्राफ्ट कैसे की जाती है, तो ड्राफ्ट करने का फ़ायदा क्या होता है और इसका तरीका कार क्या है। तो इसमें पहली बात यह है कि ड्राफ्ट क्यों की जाती है, इसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ कि ट्वीट जो है वो ड्राफ्ट इसलिए की जाती है कि जब ट्रेंड का एक ख़ास वक्त आता है ना, उस ट्रेंडिंग के उस वक्त में होता ये है कि मसलन आपने जैसा कि कल 4 बजे का टाइम है ट्विटर ट्रेंड का, तो उससे पहले जब भी आपको मौका मिले, जिस वक्त मौका मिले, तो जितनी चाहें आप ट्वीट्स जो है ना वो अपने पास ड्राफ्ट कर लेंगे। ठीक है, वो एन मौके पे आएंगे, आके अपनी ट्वीट उठाएंगे और आप उसको ट्वीट कर देंगे। आपका ट्वीट लिखने में, उसके लिए कोई तस्वीर, कोई तहरीर सर्च करने में या उसको जो है ना अपलोड करने में आपके लिए आपको कोई ख़ास नहीं पड़ेगी। तो इसका तरीका कर मैं आपको बता देता हूँ कि बिलफर्ज़ मसलन आपने एक यहाँ से एक जो है ना वो ट्वीट आपने उठानी है, ठीक है, ट्वीट करनी है। तो यहाँ ये देखें, ये मेरे पास तस्वीर हैं, ठीक है, इसमें मैं कोई सी एक तस्वीर यहाँ पर लगा देता हूँ बिलफर्ज़, ये मैंने ये लगा दिए। पहले ऊपर आप कुछ लिख लें, मसलन यहाँ पर एक अलामा इकबाल का शेर है, मैं लिख देता हूँ, जिस खेत से दहकों को मुयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खुश है गंदम को जला दो। ये लिख दिया, सॉरी जला दो, यहाँ पे लिख दिया हला दो, उस खेत के हर खुश है गंदम को जला दो, ये लिख दिया। इसमें नीचे आप अल्लामा इकबाल का है तो अल्लामा इकबाल लिख दिया। अच्छा, आपका जो ट्रेंड है ना वो आपने यहाँ पे डालना है। मसलन जो आपका जो ट्रेंड आप चलाना चाह रहे हैं वो क्या है, गरीब का चूल्हा बंद, ठीक है, गरीब, ये यहाँ पर आप डालेंगे का चूल्हा बंद, स्पेस आ गई बीच में। अच्छा, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये बीच में स्पेस आ गई तो आपका जो जो ट्रेंड है ना जो आप करना चाह रहे हैं तो वो नहीं होगा। मसलन ये थे गरीब का चूल्हा बंद, ठीक है, ये इस अंदाज़ से आप मुकम्मल लिखेंगे। अच्छा, ये लिख दिया आपने, एक तो है यहाँ पर आप ट्वीट करेंगे, ये आपके टॉप पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये ट्वीट आ रहा है तो ये अभी फौरी तौर पर ट्वीट हो जाएगी। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये आपके पास ड्राफ्ट हो जाए, आपके पास सेव हो जाए, जब आपको वक्त, जिस वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उस वक्त ये ट्वीट उठा के करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से आप बैक जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव, ये आपने सेव कर दी। अभी देखें, ये आपके पास जो ये टॉप राइट कॉर्नर पे तीन डॉट्स है ना, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये दरमियान में सेकंड नंबर पे जो है ना ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट, तो यहाँ पर ये देखें आपकी ट्वीट मौजूद है। इसको आप यहाँ से उठाएंगे और जब आपने ट्वीट्स करनी होगी, ट्रेंड जब चल रहा होगा, तो यहाँ से आप इसको ट्वीट कर देंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे आएंगे, मसलन ये जो नीचे ट्वीट का निशान आ रहा है ना प्लस का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ट्वीट पे आएंगे और यहाँ पर ये देखें, ये ट्वीट के साथ ऊपर राइट कॉर्नर पे ये ड्राफ्ट का निशान लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपकी जो जितने भी ट्वीट्स आपने ड्राफ्ट की होंगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से उठाएँगे आप, फौरी ट्वीट कर देंगे, मतलब विद इन सेकेंड जो है ना आप अपनी ट्वीट कर सकते हैं। और मौके पर अगर आप लिखने बैठें तो इस अंदाज़ से एक शेर को लिखने के लिए, एक तहरीर को लिखने के लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार होगा। तो एक आसान तरीका है, इसको पहले जैसे ही आपको वक्त मिले, अभी रात को, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो जो ट्विटर ट्रेंड करने का आपका टाइम है उस टाइम के बाद आप एक ही वक्त के अंदर काफ़ी सारी ट्वीट जो है ना वो थोड़े वक्त के अंदर आप कर सकते हैं। इससे जो है ना वो आपका ट्रेंड जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ट्रेंड टॉप पर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करें।